यूपी के बुलंदशहर जनपद की खुर्जा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर बसपा नेता और फल सब्जी अड़ती हाजी बाबू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया है कि हाजी बाबू के पल्लेदार ने दुकान में रखी तिजोरी से नकदी चोरी करने में नाकाम रहने पर हाजी बाबू की गला दबाकर हत्या कर दी। हाजी बाबू को पल्लेदार ने फोन कर घर बुलाया और जब हाजी बाबू की जेब में तिजोरी की चाबियां नहीं मिली तो मार डाला। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। क्या मामला है पूरा सर, कितने लोग पकड़े? 8 तारीख में सायंकाल थाना सुरजा नगर पे एक सूचना दी गई कि हाजी बाबू नामक व्यक्ति जो है वह गायब हो गया है। करीब 1:30 बजे से हम लोग अभी तलाश कर रहे थे, अब सूचना देने आए क्योंकि अभी तक वापस नहीं आए। इस सूचना पर गुलशुदगी थाने पर दर्ज की गई थी, उसकी छानबीन की जा रही थी। इसी बीच जब पता चला तो वहाँ पर SOG भी लगा दी गई थी और थाना पुलिस और SOG ने मिलकर के छानबीन किया और उसके मोबाइल नंबर वगैरह को खोला तो पता चला कि उसका मोबाइल कहीं फूटा गया था, वहीं आसपास उसको बरामद किया गया मोबाइल को। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उससे पता लगा कि कुछ संदिग्ध नंबर आए, उन संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ पता चला कि उसका एक पल्लेदार रविंदर है जो कुछ यहाँ काम करता है और उसी ने उसको बुलाया था। बुलाने के बाद उसके जो अपने अपने एक मित्र अवतार के साथ जो वहीं खुर्जा नगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं उसकी एक चुन्नी से घर में चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसको नाले में ले जा करके बोरे में डाल करके चुन्नी से डाल दिया और उसकी स्कूटी जंक्शन रोड पर एक झाड़ी में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पुलिस ने दोनों मृतकों को गिरफ्तार किया है, मृतक की स्कूटी को बरामद किया है, जिस चुनरी से डेड बॉडी को लेकर नाले में डाला गया उसको बरामद किया है, जिस चुनरी से उसको गला घोटा गया था वह बरामद हो गया है। तो उनकी जो नियत थी घटना करने का कारण जो उन्होंने बताया कि उसने अपने उसकी आदत थी वहाँ पर वो पैसे वगैरह काफ़ी रखता था। उनकी नियत ये थी कि इसकी मृत्यु उसको मारने के बाद और चाबी भी अपने चुनरी साथ रखता था और चाबी ले लेंगे और उससे जो उसके बाहर के पैसे होंगे उसको निकाल लेंगे। क्योंकि उस दिन घटना के दिन वो चाबी अपने तिजोरी में रखा नहीं था, इसलिए इनके मनसूबा इनका सफल नहीं हुआ। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको न्यायिक अपेक्षा भेजा जा रहा है, अन्य वैधानिक कार्रवाई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।